ये है जानो जंक्शन। नमस्कार, आज है 8 जून 2022। मैं हूं पूजा वर्मा और आप सुन रहे हैं जानो जंक्शन पे हिंदी न्यूज पॉडकास्ट न्यूज रेल। पहले मुख्य समाचार। देश में 24 घंटे में कोरोना के 41% केस बढ़े। पैगंबर पर टिप्पणी को लेकर अलकायदा की भारत को धमकी। अलकायदा ने चिट्ठी में लिखा, दिल्ली, मुंबई, यूपी और गुजरात में करेंगे आत्मघाती हमले। सरकार ने बढ़ाया खरीफ की फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य। राजस्थान में नाबालिग रेप पीड़िता ने की बलात्कारी की हत्या, सबूत मिटाए 20 दिन बाद खुला राज। ज्ञानवापी परिसर के सर्वे का आदेश देने वाले जज को मिली जान से मारने की धमकी, पुलिस से की शिकायत। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद भेज रहे वाराणसी के डीएम को कोर्ट की अवमानना की नोटिस, बोले हिंदू हितों की अनदेखी। अब समाचार विस्तार से। पिछले 24 घंटे में भारत में कोरोना केस 41% बढ़ गए। बीते दिन कोरोना के 5,233 नए मामले सामने आए। सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र और केरल में दर्ज किए गए। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 1,821 नए केस मिले हैं, जो फरवरी के बाद सबसे ज्यादा है। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही राज्य में BA.5 वेरियंट का एक और मरीज मिला है। जानकारी के मुताबिक पुणे में एक 31 साल की महिला BA.5 वेरिएंट से संक्रमित पाई गई। पुणे में इस वेरिएंट का ये चौथा मामला है। महाराष्ट्र में 28 मई को BA.4 के 4 और BA.5 के 3 मरीज सामने आए थे। इस तरह से राज्य में नए वेरिएंट के अब तक कुल 8 मरीज संक्रमित मिल चुके हैं। पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी के मामले में आतंकवादी संगठन अलकायदा अब कूद गया है। अलकायदा इन द सब कॉन्टिनेंट ने चिट्ठी जारी कर भारत को धमकी दी है। चिट्ठी में दिल्ली, मुंबई, यूपी और गुजरात में आत्मघाती हमले की धमकी दी गई है। इस चिट्ठी पर 6 जून 2022 की तारीख है। ये चिट्ठी सोशल मीडिया पर वायरल है। अलकायदा ने लेटर में कहा है कि कुछ दिन पहले हिंदुत्व के प्रचारक ने टीवी डिबेट में इस्लाम धर्म का अपमान किया था। उनके बयानों से दुनिया भर के मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंची। अलकायदा ने आगे कहा कि हम पैगंबर के अपमान का बदला लेंगे। हम अपने और अपने बच्चों के शरीर में विस्फोटक बांधेंगे ताकि ऐसे लोगों को उड़ाया जा सके। दिल्ली, मुंबई, यूपी और गुजरात में भगवाधारियों का अंत करेंगे। वो न अपने घर में छुप पाएंगे और न ही सेना उन्हें बचा पाएगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया। मंत्रिमंडल ने वर्ष 2022-23 के लिए विभिन्न खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ये जानकारी दी है। इससे फसल वर्ष 2022-23 के लिए खरीफ फसलों का MSP अब बढ़ जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने फसल वर्ष 2022-23 के लिए सभी अनिवार्य खरीफ फसलों की MSP में वृद्धि को मंजूरी दी है। किसानों को इससे काफी फायदा होगा। मीडिया से बात करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि आज की कैबिनेट बैठक में करीब 14 खरीफ फसलों के MSP को मंजूरी दी गई। राजस्थान के अलवर जिले के कोटकासिम थाना इलाके में करीब 20 दिन पहले हुई पूर्व सरपंच के बेटे की हत्या की गुत्थी को पुलिस ने आखिरकार सुलझा लिया है। युवक की हत्या नाबालिग रेप पीड़िता ने की थी। पुलिस ने इस मामले में 14 वर्षीय बालिका को डिटेन किया है। इस नाबालिग बालिका ने पुलिस के सामने स्वीकार किया है कि पूर्व सरपंच का बेटा उसे ब्लैकमेल करके उसके साथ रेप करता था। इससे तंग आकर उसने चुन्नी और तार से गला घोटकर उसे मार डाला। पुलिस की जांच में सामने आया कि विक्रम नाबालिग का शारीरिक शोषण करता था। 17 मई की रात को भी वो शराब के नशे में नाबालिग के साथ गलत काम करने आया था। आखिर नाबालिग ने परेशान होकर विक्रम की अपने दुपट्टे और तार से गला घोटकर हत्या कर दी और उसके बाद मौके से सबूत भी मिटा दिए। वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर को जान से मारने की धमकी मिली है। उन्होंने ज्ञानवापी परिसर के सर्वे का आदेश दिया था। उन्हें इस्लामिक आगाज मूवमेंट नाम के संगठन की ओर से रजिस्टर्ड डाक से धमकी भरी चिट्ठी मिली है। ये मामला लखनऊ के आला अफसरों तक पहुँचा है। वाराणसी कमिश्नर ने कैंट थाने की पुलिस और क्राइम ब्रांच को चिट्ठी की जांच के लिए लगाया है। जज के लखनऊ और वाराणसी घर की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए गए हैं। जज रवि कुमार दिवाकर ने बताया कि उन्होंने आज ही DGP, अपर प्रमुख सचिव गृह और पुलिस कमिश्नर वाराणसी से शिकायत की है।
वाराणसी में 98 घंटे से अनशन पर बैठे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने मंगलवार को कहा कि मौजूदा समय में खुद को हिंदू हितों की हितैषी कहने वाली सरकार है, इस सरकार में भी हिंदू हितों की अनदेखी की जा रही है। अदालत ने अपने आदेश में साफ कहा है कि ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग का विधि विधान के साथ संरक्षण किया जाए, यानी कि अदालत ने कहा है कि शिवलिंग की पूजा की जाए। इसके बावजूद हिंदुओं के साथ इस सरकार में अत्याचार किया जा रहा है और हमें 4 दिन से ज्यादा समय से नजरबंद जैसे रखा गया है, इसलिए हम न्यायालय के आदेश की अवमानना के आरोप में वाराणसी के जिलाधिकारी को नोटिस भेज रहे हैं। उनके जवाब के आधार पर अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि जरूरत पड़ी तो हम आह्वान करेंगे और 11 लाख से अधिक लोगों को यहाँ जुटाएंगे। आज के लिए इतना ही, सुनते रहिए जानू जंक्शन पे न्यूज़ रेल।